इंडीज दौरे पर जाने से पहले बीसीसीआई और बीसीसीआई की बनाई हुई एड हॉक कमेटी ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि टीम इंडिया का अगला कोच कौन होगा ये कप्तान कोहली डिसाइड नहीं करेंगे। आपको बता दें कि टीम इंडिया के सेमीफाइनल विश्व कप में हारने के बाद लगातार ये सवाल उठ रहा था कि क्या अब रवि शास्त्री आने वाले समय में टीम इंडिया के कोच बने रहेंगे। विश्व कप के बाद हालांकि टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ कोच को मिलाकर 45 दिन का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अब कोच की रेस में कई ऐसे नाम हैं जो वाकई में टीम इंडिया का कोच बनना डिजर्व करते हैं। ऐसे में बीसीसीआई द्वारा अपॉइंट की गई एड हॉक कमेटी के अध्यक्ष कपिल देव ने ये साफ कर दिया है कि वो टीम की बेहतरी के लिए और टीम को आगे ले जाने के लिए एक बेहतर कोच नियुक्त करेंगे। कपिल देव ने साफ कहा कि हमें पता है कि हमें किस तरह से टीम इंडिया के कोच पद का चयन करना है और टीम इंडिया का अगला कोच कौन होगा ये हम पूरे इंटरव्यू के बाद डिसाइड करेंगे। हालांकि बाई डिफॉल्ट रवि शास्त्री इस रेस में आ चुके हैं क्योंकि वो भारतीय टीम के लिए लंबे समय से कोच पद पर कार्यरत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कपिल देव ने ये भी साफ कर दिया है कि इस बार कोच पद चुनने को लेकर विराट कोहली की दखलंदाजी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। कपिल देव ने कहा कि अब तक जिस तरह से टीम इंडिया खेलती आई है उसका प्रदर्शन शानदार रहा है, हम उन मानकों को भी देखेंगे, लेकिन हम उन मानकों को भी देखेंगे जहां पर भारतीय टीम को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आखिरकार क्यों भारत का बीते 2 साल से मिडिल ऑर्डर नहीं सेट हो पाया है इसको भी देखना है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से कपिल देव टीम का चयन करते हैं या फिर टीम इंडिया के कोच पद का चयन करते हैं। एएनपी न्यूज रूम से अभिलाष की रिपोर्ट।